और पहले चरण का ये आखिरी दिन है। और साथ ही आपको बता दें कि नामांकन के इस आखिरी दिन में कई दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर, जतिन प्रसाद ने यूपी के पीलीभीत और भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर से नामांकन भरा। वहीं अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर से नामांकन दाखिल किया है। ये चार वो बड़े नाम है। हालांकि इसके अलावा तमाम जो दिग्गज है उनके नामों से भी आपको रूबरू करवा चुके हैं, लेकिन आज का दिन नामांकन को लेकर दिग्गजों का रहा है, क्योंकि पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। मौका गंवाना नहीं था, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसी के तहत ये चार बड़े नाम आज अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर यहां पर आए हैं। और देखिए, चुनाव से पहले जो चरण है यहां पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर अब यह खत्म हो चुकी है। पहले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और आज पहले चरण के लिए जो नामांकन का आखिरी दिन था उसमें दिग्गजों ने अपना नाम दाखिल किया है। 102 सीटों के उम्मीदवारों का ये नामांकन सामने आ चुका है, क्योंकि आज आखिरी दिन यहां पर रहा है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र की नागपुर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले नितिन गडकरी ने मंदिर में बाकायदा पूजा अर्चना भी की है। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी वो करते हुए यहां नजर आए हैं। तो नागपुर से नितिन गडकरी ने कुछ इस तरह से नामांकन दाखिल किया, लेकिन इसके साथ साथ जन समर्थकों का सैलाब भी उनके साथ इस दौरान नजर आया। प्रतीतो मैं 101% आश्वस्त हूँ, किसी भी स्थिति में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा। पर मेरा प्रयास है कि जनता के सहयोग से जो उत्साह है और कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं 5 लाख से ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। पिक्चर तो नागपुर विदर्भ का सर्वांगीण विकास, ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा संकल्प रहा है। और टूरिज्म, इंडस्ट्री, IT, बिहार की डेवलपमेंट, नाग नदी का शुद्धिकरण, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नागपुर शहर को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करके एक ग्रीन शहर बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। के तौर पर दिखाई दिया है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर से नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। नामांकन से पहले भूपेंद्र यादव ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की और रोड शो के जरिए वो भी शक्ति प्रदर्शन कुछ इस तरह से करते हुए नजर आए। तो देखिए, नामांकन यहां पर दिग्गजों के जरिए भरा गया है। अब नामांकन जिन्होंने भी किया है, जाहिर सी बात है जनता के बीच में उम्मीदवारों के तौर पर उतरेंगे, वोट मांगते नजर आएंगे, तमाम वादे होंगे, तमाम दावे होंगे। वहीं बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल ने भी राजस्थान के बीकानेर से नामांकन दाखिल किया है और साथ ही लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत का ये दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल, जानकारी आप तक पहुंचा दें, आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन तमाम सियासी दिग्गजों के जरिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। विकास और सुशासन अर्थात डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, यही हमारे दो बड़े मुद्दे हैं जो 2014 से चल रहे हैं। भारत को विकसित भारत बनाना है, सुशासन तेजी से लाना है, विकास की रफ्तार बढ़ानी है, यही हमारे दो मुद्दे हैं जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी जी की नीतियां पॉपुलर हुई है। आप अगर ये पूछना चाहते हैं कि बीकानेर में आगे 5 साल क्या करेंगे, बीकानेर में बहुत सी चीज़ें करेंगे जैसे विकसित बीकानेर बनाने का, लेकिन सबसे बड़ा काम बीकानेर को सेरेमिक हब बनाने का करेंगे।